रीशेड्यूल किया गया था उस ट्रेन को, 11 घंटे रीशेड्यूल किया गया था। तो आज भी जो ट्रेन है पूना से नागपुर वो स्पेशल ट्रेन है, ऐसी स्पेशल ट्रेन है, ऐसी स्पेशल ट्रेन है, 0-21-43 गाड़ी नंबर है, पुणे नागपुर ऐसी स्पेशल ट्रेन। इस गाड़ी की भी कोई गारंटी नहीं, अभी देखते कितने बजे छूटती है गाड़ी। वो तो ये गाड़ी पुणे से निकल के लोन होते हुए, मंगाड़ होते हुए, उसके बाद सावन, अकोला, बटेरा और सामने जाके नागपुर 4 बजे डॉट यहाँ से निकलेगी। तो बस गाड़ी अभी खड़ी है, 1 घंटा पहले खड़ी हुई है प्लेटफॉर्म पे, तो उसकी वजह से डिले होने का चांस तो नहीं है। गाड़ी ऑलरेडी प्लेटफॉर्म पे खड़ी है, उसकी वजह से डिले होने का चांस नहीं है। बट स्पेशल ट्रेन, एक्चुअली स्पेशल ट्रेन का बाकी गाड़ियों के बीच में चलाई जाती है, उसकी वजह से क्या होता है इस ट्रेन को रोका जाता है और दूसरी जो रेगुलर गाड़ी रहती है उसको निकाला जाता है। दिन तो मैंने कोई ऑप्शन किया, उस वजह से इस गाड़ी की भी टाइमिंग का पता नहीं चलता। कल पहुँचने का टाइमिंग इसका सुबह 6:30-7 बजे का है, बट देखते हैं अभी पहुँचती है। ट्रेन तो काफ़ी बहुत है, मतलब नए नए LHB कोचेस लगे हुए हैं और स्पेशल ट्रेन दोस्तों, ये जो स्पेशल ट्रेन है ना वो WAG 7 की जगह पे WAG 9 लोकोमोटिव से चलाई जा रही है। अब इसके पीछे का रीज़न पता नहीं है क्या है क्या नहीं है, उसके पीछे का रीज़न ढूंढना पड़ेगा। वैसा है के डोर ओपन हो गए, बहुत देर से ट्रेन लगी थी बट डोर ओपन नहीं हुए थे। तो ट्रेन का इंटीरियर दिखे दोस्तों, बहुत तगड़ा इंटीरियर बनाया है। सीट्स कवर देखिए क्या लग रहे, मस्त है, बहुत बढ़िया। विंडो सीट मिली है मुझे, लोअर बर्थ। काफ़ी अच्छी सीट है, फाइनली बैठ गया उस ट्रेन में। तो मैं अभी धीरे धीरे सब कवर करते जाऊंगा, स्टेशन कवर करूंगा, इनकेस कोई ट्रेन क्रॉस होती है तो वो भी कवर करूंगा, इनकेस अगर मैं जगह रहा तो, क्योंकि कल रात को ना हमारी पार्टी हुई ऑफिस की, तो मैं सुबह के 5 बजे सोया हूँ, तो मेरी नींद नहीं हुई, सुबह के 5 बजे सोया और 8 बजे उठ के फिर से जाना पड़ा मुझे 10 बजे ऑफिस। तो नींद नहीं हुई तो नींद लग सकती है। ये देखिए दोस्तों WAG 4 विजयवाड़ा 22312, मिलिट्री कोच है ये, रिटायर मिलिट्री कोच सेना के लिए, मिलिट्री की गाड़ी है। मस्त है गाड़ी, इंडियन फोर्स की गाड़ी WAG 4 लोकोमोटिव के साथ। आते टाइम मुझे साइड विंडो मिली थी, लोअर साइड विंडो, कंफर्टेबल था, बहुत कंफर्टेबल। और अभी रिटर्न जर्नी के टाइम पे लोअर बर्थ मिला है, तो मेरे लिए
प्लस पॉइंट है क्योंकि मैं वीडियो निकाल पाऊंगा बना पाऊंगा। तो दोस्तों ट्रेन नंबर है 02143 पुणे नागपुर एसी स्पेशल ट्रेन। स्पेशल ट्रेन मतलब ये डेली बेसिस पे नहीं चलती है, बीच बीच में चलती है, तो गारंटी नहीं रहती इसकी कि ये टाइम पे पहुँचे, क्योंकि जो रेगुलर ट्रेन्स रहते हैं उनको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है कि वो निकले प्रॉपर स्मूथली, क्योंकि उसका टाइम फिक्स रहता है। इसका भी टाइम फिक्स रहता है लेकिन फ्लेक्सिबल टाइम रहता है, तो प्रायोरिटी डेली बेसिस पे जो ट्रेन चलती है उसको रहती है। तो कवर करेंगे 4 बजे प्रॉपर छूटेगी यहाँ से। तो आज शाम का खाने का देखूंगा कैसे कर सकते हैं, बिकॉज खाने का आते समय क्या वाइफ ने टिफिन बना के दिया था, अभी रिटर्न के समय पे तो मैं घर से नहीं निकला हूँ, ऑफिस से निकला हूँ, तो दिक्कत होने वाली है। तो देखते हैं इनके से अगर पार्सल लेना पड़ा तो लेंगे, नहीं तो मेरा फेवरेट है वड़ा पाव, बहुत ज़्यादा फेवरेट है, तो वड़ा पाव खाएंगे। बिकॉज एट द टाइम ऑफ कॉलेज डेज मैं ए वन टाइम वड़ा पाव खाता था, तो आदत सी हो गई थी, तो भूल नहीं सकता हूँ, पसंद है इसलिए खाता हूँ, जो चीज़ें पसंद है वो खानी चाहिए। और कैसा है ना, वड़ा पाव टेस्टी रहता है, ये एरिया का वड़ा पाव टेस्टी रहता है, बाकी नागपुर में अभी अभी मिलने लगा, अच्छा कुछ कुछ जगह पे वहाँ पे भी अच्छा मिलता है। तो दोस्तों बने रहिए व्लॉग में। ये देखिए 01486 WDG 3A डीजल इंजन, ओल्ड इज गोल्ड जिसे कहते हैं ना, तो ये है डीजल इंजन, ओल्ड इज गोल्ड। तो ट्रेन तो काफ़ी क्लीन है, पूरे LHB कोचेस नए नए हैं, सीट्स का कलर ना यूनिक दिया हुआ है, पर्पल कलर, बहुत अच्छा लग रहा है सब चीज़ें। खास बात यह है कि मिडल बर्थ वालों के लिए, स्पेशली मिडल बर्थ वालों के लिए, मिडल बोलो या लोअर बोलो, हाँ लोअर बर्थ वालों के लिए ये AC वेंट एक्स्ट्रा में दिया है यहाँ पे, ये AC वेंट है, ये लोअर बर्थ वालों के लिए है देखिए, और उसी के ऊपर में ये जो दिया है, ये जो AC विंड दिया है ये मिडल बर्थ वालों के लिए दिया हुआ है, तो काफ़ी ध्यान रखा हुआ है पैसेंजर्स का ये ट्रेन में, इस AC ट्रेन में बढ़िया है। ये चीज़ें देख के मज़ा आती है, मज़ा आता है ये चीज़ें देख के, काफ़ी ध्यान रखा जा रहा है। जंक्शन समुद्र सतह से जो ऊंचाई है उसकी सिर्फ 500 मीटर, 560 मीटर की है पुणे लोकेशन की। इंदौर दौंड वीरभूमि एक्सप्रेस, इंदौर दौंड वीरभूमि एक्सप्रेस अराइविंग, अभी अभी उसका अराइवल हो रहा है पुणे रेलवे स्टेशन पे। 3700 2 WEB 7 पुणे का लोकोमोटिव है ये 3700 2। ये दिक्कत है ना, ये कम नहीं होने वाली स्पेशल ट्रेन की, 4 बजे का टाइम था ट्रेन का बट अभी 4:06 हुए हैं, बट स्टिल
ट्रेन नहीं निकली। ये होती है स्पेशल ट्रेन की दिक्कत, क्योंकि जो रेगुलर ट्रेन रहते हैं उनको निकाल देते हैं सामने, और जो स्पेशल ट्रेन रहती है जिसका कोई टाइम नहीं रहता पहुंचने का, उसको रोक देते हैं। तो मे भी ये 5 मिनट में निकल जाएगी ट्रेन, क्योंकि लोकोमोटिव तो लग गया है, 5 मिनट में निकल जाएगी पूना जंक्शन से। देखते हैं कितने मिनट में निकलती है। तो ट्रेन निकली, जैसे ट्रेन निकली 1 मिनट नहीं हुआ चैन पुलिंग हो गया। चैन पुलिंग की वजह से परेशान। फाइनली ट्रेन निकल गई थी बट फिर से रुक गई। देखते हैं अभी कितनी देर में निकलती है। तो ये जो एक्सप्रेस खड़ी है ये है सोलापुर मुंबई बेंगलोर। ट्रेन का नाम है सिद्धेश्वर या फिर उद्यान एक्सप्रेस, सिद्धेश्वर उद्यान एक्सप्रेस, जो प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे खड़ी है। कैमरे लगे हुए हैं ट्रेन में, मतलब पूरा वॉच रखा जा रहा है कि कौन क्या करता है क्या नहीं। तो ये अच्छी सी चीज़ है, क्योंकि क्या है ना, ट्रेन में मैक्सिमम टाइम पे कुछ भी होता है तो उसका प्रूफ नहीं मिल पाता है, तो ये अच्छी चीज़ है। ये देखिए कैमरा लगा हुआ है, सिलेंडर, अगर कुछ होता है अननेसेसरी फायर वगैरह तो यहाँ पे रखा हुआ है। यहाँ पे डस्टबिन रखी हुई है, वॉश है, साफ सुथरे। ये मिरर, तो गाड़ी रुकने के पीछे का एक कारण ये है दोस्तों अभी, कि इसके पहले मतलब इसका टाइम था 4 बजे का, यह है एसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस, स्पेशल एक्सप्रेस, और 3:50 पे एक ट्रेन थी जो नागपुर के लिए ही निकलने वाली थी, उसका नंबर था 011166। तो वो ट्रेन निकलने की थी, उस वजह से इसको रोका गया। पहले इसको निकाल रहे थे बट टाइम पे डिसीजन किया कि वो निकल जाएगी आगे, तो उसको निकालने की वजह से ये ट्रेन रुक गई। तो ये और 15 मिनट रुकने वाली है यहाँ पे, उसके बाद निकलेगी। ये रूल्स खतरनाक रूल्स है इंडियन रेलवे के, लेकिन ये रूल फॉलो करना पड़ता है, बिकॉज इंडियन रेलवे का सबसे बड़ा जाल है, मतलब बहुत सारी ट्रेनें एक साथ चलती है, इसे लाइफलाइन ऑफ इंडिया भी कहा जा सकता है, क्योंकि इंडिया की लाइफलाइन है इंडियन रेलवे, बिकॉज डेली बेसिस पे पैसेंजर तो जाती है बट मालगाड़ियाँ भी जाती है एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन, तो सबसे ज़्यादा मालगाड़ी अपने यहाँ पे चलती है, तो डीले तो जाहिर सी बात है, ठीक है इतना डीले चलता है, बट अभी आज ज़्यादा डीले नहीं होना चाहिए, अगर ज़्यादा डीले हो गया तो फिर वैसे ही परसों जैसा काम हो जाएगा। सिद्धेश्वर उद्यान एक्सप्रेस पूना जंक्शन से रवाना होती हुई, सिद्धेश्वर उद्यान एक्सप्रेस जो सोलापुर मुंबई और बेंगलोर के बीच में चलती है, मतलब एक दिन सोलापुर टू मुंबई होगी और एक दिन मुंबई टू बेंगलोर होगी, ऐसा हो सकता है। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस टू चेन्नई सेंट्रल 22159 ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे खड़ी है, अभी वो निकल रही है प्लेटफॉर्म नंबर 4 से, अनाउंसमेंट शुरू है उसकी। अभी क्या है, एलएचबी कोचेस
फ्रेश LHB कोचेस आए हैं, मैक्सिमम ट्रेन को नए LHB कोचेस लगे हुए हैं, उस ट्रेन को भी नए नए कोचेस दिख रहे हैं। 22159 छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस टू चेन्नई। बैंगलोर भगत की कोठी सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो अभी अभी मतलब पुणे रेलवे स्टेशन पे आ रही है, SMBT बेंगलुरु टू भगत की कोठी एक्सप्रेस। इसमें भी नए नए LHB कोचेस, मतलब हर गाड़ी में नए नए LHB कोचेस लगे हुए हैं, आप अगर देख पा रहे हो तो। ट्रेन छूटने वाली थी 4 बजे, अभी टाइम हुआ है 4:44, मतलब ऑलरेडी 44 मिनट्स लेट, 44 मिनट्स ऑलरेडी लेट। तो चलिए फाइनली ट्रेन पुणे रेलवे स्टेशन से छूट गई फाइनली। पुणे जंक्शन रेलवे स्टेशन बड़े ट्रैफिक से भरा हुआ रेलवे स्टेशन है, हर 15 मिनट 20 मिनट में एक ट्रेन छूट रही है यहाँ से। ट्रैफिक से भरा हुआ रेलवे स्टेशन, ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 से ये WAP 7 3700 2 WAP 7 जो कि पुणे इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव शेड से निकली हुई है, इसके साथ है पुणे बिलासपुर एक्सप्रेस भी नागपुर होते हुए जाती है, तो ये अभी थोड़ी देर बाद लगेगी प्लेटफॉर्म पे लगने की है। ये भी ट्रेन लगेगी, इसका टाइम में भी 6:30 या 7:45 का टाइमिंग है, पुणे बिलासपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस। ये भी पूरी AC ट्रेन है, ये जनरेटर कोच है। मिनट लेट निकली हुई है ट्रेन, बिकॉज इसके पहले जो ट्रेन थी 3:50 पे उसके पहले निकाला गया, और ट्रेन नंबर था 01166 जो कि पुणे से नागपुर के लिए ही थी, सेम डेस्टिनेशन था बट वो ट्रेन 10 मिनट पहले थी, उसके वजह से इस ट्रेन को रोका गया था। तो फाइनली ये डिपार्ट कर रही है, ये जो ट्रेन है दोस्तों वहाँ पे खड़ी है, SMBT बेंगलोर टू भगत की कोठी सुपरफास्ट एक्सप्रेस। यह है पुणे जम्मू तवी एक्सप्रेस, झेलम एक्सप्रेस जो जम्मू जाती है पुणे से लेके जम्मू तक, ICF कोचेस के साथ जो पुराने वाले ब्लू जो कलर के थे उसी को कलर करके येलो कलर दिया था गाड़ियों को, ICF कोचेस।
ब्लू कलर में अभी बहुत कम दिखने को मिलते हैं क्योंकि येलो कलर किया गया था। झेलम एक्सप्रेस पुणे टू जम्मू तवी। यह अभी अभी लगी है पूना रेलवे स्टेशन पे, तो थोड़ी देर बाद रवाना होगी यहाँ से। टाउन कार्ड लाइन में अराइविंग करते हुए पुणे नागपुर एसी स्पेशल एक्सप्रेस।
जंक्शन से थोड़ा टाइम कवर किया। अभी अभी टोंड रेलवे स्टेशन क्या है, थोड़ा टाइम कवर किया, मतलब 10 मिनट कवर किया है। देखते हैं और आगे कितना कवर कर पाती है टाइम। अभी भी नियर अबाउट 40 मिनट लेट चल रही है, तो देखते हैं कैसा रहता है। तो सफ़र अच्छा चल रहा है अभी तक, तो एसी काफ़ी कूल है, बहुत ज़्यादा ठंडा करके रखी है। बट ये स्पेशल ट्रेन होने के वजह से ना दोस्तों, इसमें ना लोग बहुत कम हैं, क्योंकि लोगों को पता नहीं रहता है कि ये ट्रेन है करके। तो जब मैंने करंट अवेलेबल जब चेक किया था, तो 438 टिकट स्टिल अवेलेबल थी जब गाड़ी छूट रही थी। तो आप इस पर से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये ट्रेन के बारे में बहुत कम लोगों को पता है ना। शाम का समय हो और चाय ना हो तो रो नहीं सकता। तो बस अभी चाय की बारी है, चाय एंजॉय करते हैं। ये देखिए सनसेट हो, शाम के 6:30 हुए हैं, तो चाय पीना जरूरी है, थोड़ा सा अच्छा लगता है। मैक्सिमम जो खेती है वो गन्ने की दिख रही है, गन्ने की खेती, उसके बाद अंगूर की खेती, ये अंगूर की खेती है। देखिए अंगूर की खेती का ऐसा है कि एक बार आप पेड़ लगा दो, नियर अबाउट वो 4-5 साल तो उसका पिक देता ही है वो। मेंटेन करना पड़ता है, सभी चीज़ों में मेंटेनेंस जरूरी है। ये देखिए अंगूर की खेती, ये ये जो ढके हुए है पेड़, जो ढके हुए अंगूर की खेती की है, क्योंकि अंगूर को ज़्यादा, अंगूर का जो पेड़ है उसको ठंडा हुआ चाहिए, ठंडा। देखो ये पूरी अंगूर की खेती थी, सनसेट हो रहा है, काफी सुंदर नजारा रहता है सनसेट के टाइम पे। ये देखिए बादल आए हैं, बादल के पीछे सूरज छुप गया है। अभी हुई है रात, मतलब अंधेरा हो गया है, रात के 7:30 बज गए हैं। तो अभी तो कुछ वीडियो निकाल नहीं पाऊंगा, देखता हूँ खाने का कैसा कर सकते हैं। तो मनमाड़ में जब गाड़ी रुकेगी तो एक तो पार्सल बुला लूँगा ऑनलाइन, या तो फिर
आपको तो जब भी बताया मैंने मेरे पास क्या ऑप्शन रहता है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अभी डायरेक्ट कल मॉर्निंग में, क्योंकि अभी मैं कुछ कवर नहीं कर पाऊँगा। इनकेस अगर स्टेशन रहेंगे तो जगह अगर रहूँगा तो मैं कवर कर पाऊँगा, क्योंकि अभी अंधेरा हो गया है पूरा। ठीक है, चलो दोस्तों मिलते हैं कल सुबह। अहमदनगर रेलवे स्टेशन से गाड़ी रवाना होते हुए मनमार जंक्शन ट्रेन पहुंची है। एक घंटा लेट, मतलब जैसे जगह से एक घंटा लेट छुट्टी, सेम वैसे यहाँ पे भी एक घंटा लेट पहुंची है। तो कोई डिफरेंस नहीं है, जैसे निकली वैसी स्पीड चल रही है मनमार जंक्शन स्टेशन। बड़ा जंक्शन है ये। मनमाड़ जंक्शन से गाड़ी रवाना होते हुए अभी बजे है दोस्तों 11:12। वैसे इसका टाइम था 10 बजे का, 10:05 का टाइम था इसका, बट अभी 11:12, मतलब 1:05 ट्रेन लेट है।
मिर्जापुर अजमेर। सोलापुर पुणे अमरावती अजमेर 12119 अमरावती अजनी इंटरसिटी एक्सप्रेस। अमरावती से अजनी इंटरसिटी एक्सप्रेस है 12119। गुड मॉर्निंग। स्पेशल फेयर ट्रेन का ना कोई टाइमिंग ही नहीं रहता, ये तो प्रूव हो गया है। अभी ये ट्रेन यहाँ पे तुलजापुर में, तुलजापुर करके नागपुर के पहले स्टॉप आता है, वहाँ पे तकरीबन आधे घंटे से रुकी हुई है। एक एक ट्रेन निकल रही है लेकिन कुछ नहीं चल रही है, ऐसा है। तो अभी बजे है दोस्तों सुबह के 8, 6:30 बजे ट्रेन पहुंचने वाली थी, अभी 8 पहुंची है। ऑलरेडी 1.5 घंटा डेस्टिनेशन से लेट है, टोटल 2 घंटा अभी तक के लेट है ट्रेन। अभी देखते आगे और कितनी लेट होती है, कि अभी 8 बजे है। मे बी जो विदर्भ एक्सप्रेस है मुंबई से आने वाली, जो मुंबई से आने वाली गोंदिया की तरफ जो जाती है ट्रेन नागपुर से, तो विदर्भ एक्सप्रेस को आगे निकलेगी, उसके बाद ही ये ट्रेन में भी चलेगी, क्योंकि विदर्भ एक्सप्रेस रेगुलर बेसिस पे चलने वाली ट्रेन है और ये बस एक स्टेशन पीछे है, तो मे भी उसको आगे निकालेगी, उसके बाद चलेगी ट्रेन। तो देखते अभी क्या होता है, तो क्योंकि अभी अभी अजनी अमरावती अजनी जो इंटरसिटी एक्सप्रेस है उसको आगे निकाला, तो मे बी और विदर्भ एक्सप्रेस को आगे निकालेगी, उसके बाद फिर निकलेगी। ये आ रही विदर्भ एक्सप्रेस 12105, तो इसको आगे निकालने के बाद शायद निकल जाएगी। ये थी 12105 मुंबई CSMT गोंदिया विदर्भ सुपरफास्ट एक्सप्रेस। ये रेगुलर बेसिस पे चलने वाली ट्रेन है, तो इसको आगे निकलना जरूरी रहता है। तो ये भी लेट है, काफ़ी लेट है विदर्भ एक्सप्रेस भी, क्योंकि विदर्भ एक्सप्रेस का नागपुर पहुंचने का टाइम 8:30-9 बजे का है, तो ये भी थोड़ी सी लेट है। और एक ट्रेन निकलेंगे 12850, ट्रेन नंबर है शायद पुणे बिलासपुर, मतलब ये भी ट्रेन पुणे से आ रही है,
ढाई घंटे का गैप था ये दो ट्रेन में, मतलब ये इस ट्रेन का टाइमिंग था, जिस ट्रेन में मैं सफ़र कर रहा उस ट्रेन का टाइमिंग था 4 बजे का, या वहाँ से 5 बजे निकली, और 6:30 बजे पुणे बिलासपुर का टाइम था। तो अभी वो इसके पीछे है, एक स्टेशन पीछे है, तो उसको आगे निकालेंगे, उसके बाद निकलेगी गाड़ी, पता नहीं, बोल नहीं सकते। उसके भी पीछे अगर कोई एक्सप्रेस होंगी तो उसको भी निकालेंगे, तो देखते अभी कब निकलती है। तो 12850 जो मैंने बोला था, पुणे बिलासपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस, ये अभी क्रॉस होंगी यहाँ से, इसको भी आके निकल रहे 12850। निकले आगे पुणे बिलासपुर एक्सप्रेस, फुल्ली लोडेड मालगाड़ी है, फुल पैक दिख रही है। सीमेंट की गाड़ी दिख रही है, सीमेंट WAG-9 लोकोमोटिव के साथ थी, ग्रीन पावर। को आगे निकल है जो पुणे से बिलासपुर की तरफ जाती है। अभी आशा करते हैं कि गाड़ी निकल जाएगी, क्योंकि इसके पीछे अभी गाड़ी है बट दूर है, देखते हैं। फाइनली ट्रेन ने हॉर्न दिया निकलने के लिए और गाड़ी निकल पड़ी। ये देखिए, मतलब नियर अबाउट 52 घंटे के ऊपर हो गए यहाँ पे गाड़ी रुकी थी, 45 मिनट के ऊपर यहाँ पे गाड़ी रुकी हुई थी, फाइनली निकल गई। तो देखते हैं अभी और कहाँ रुकती है, या फिर डायरेक्ट नागपुर पहुँचती है। जो नागपुर से सेवाग्राम के बीच में तीसरी और चौथी लाइन का जो काम चल रहा है, देखिए इसका वर्क इन प्रोग्रेस है, अभी मतलब शुरू है काम। जो नागपुर से सेवाग्राम के बीच में तीसरी और चौथी लाइन का जो काम चल रहा है, देखिए इसका वर्क इन प्रोग्रेस है, अभी मतलब शुरू है काम। ये देखिए, तीसरी और चौथी लाइन वो हो चुकी है, बोरखेड़ी तक। तो इसके ऊपर से कभी कभी चलती है गाड़ी, मालगाड़ी भी चलती है और सुपरफास्ट एक्सप्रेस भी चलाया जा रहा है।
तीसरे और चौथे लाइन का काम यहाँ पे हो चुका है पूरा, और इस पर से है ना ट्रेन भी दौड़ने लगी है, मतलब मालगाड़ी दौड़ती है और कभी कभी एक्सप्रेस भी दौड़ लेती है। तो ये तीसरे और चौथे लाइन का काम नागपुर सिटी में हो चुका है। आप देख सकते हैं, ये देखिए, वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट लोकोमोटिव, वर्ल्ड पावरफुल लोकोमोटिव, ये देखिए सेवन। अब यहाँ से 1268 ट्रेन क्रॉस होंगी जो चंडीगढ़ टू मदुरई चलती है। 1268 अभी क्रॉस होंगी। वैग सेवन जो ब्लू वाला है, वैग सेवन ग्रीन वाला है, वैग नाइन। फाइनली पौने तीन घंटा लेट ट्रेन अपनी नागपुर स्टेशन पे पहुंच रही है। ये देखिए नागपुर मेट्रो, नागपुर मेट्रो तो लगभग 2:45 घंटा लेट ट्रेन नागपुर स्टेशन पहुंच रही है। 02143 पुणे नागपुर एसी स्पेशल एक्सप्रेस, स्पेशल होने की वजह से इसको काफ़ी टाइम रोका गया। जो रेगुलर बेसिस पे जो ट्रेन चलती है उनको आगे निकाला गया ताकि रेगुलर जो ट्रेन है उसके ऊपर इम्पैक्ट ना पड़े। तो ये इंडियन रेलवे का एक रूल है, ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा। तो फाइनली हम लोग प्लेटफॉर्म पे अभी एंटर करेंगे
प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे शायद गाड़ी जा रही है, क्योंकि 6 और 7 राइट साइड में आ गया, तो प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे गाड़ी आ रही है। हम नागपुर पहुंच गए। तो चलो दोस्तों, इस सफर को यहाँ पे एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सफर अच्छा लगा होगा, व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं और एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।